हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जैसा कि हम सभी को पता है, पॉलन ग्रेन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ऐसे स्ट्रक्चर का काम करते हैं जहां पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या क्या स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सी सेल्स, कौन कौन सी लेयर्स पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट की, तो एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर स्किप किया हुआ है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं जहां पर हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर के अंदर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और उन्हीं सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो हम बात करते हैं टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट्स। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। उन सेल्स को बच्चों हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। उन सेल्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का दूसरा नाम होता है पॉलिन मदर सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलिन मदर सेल्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वहां पर नाम दिया होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर वहां पर नाम दिया होगा पॉलिन मदर सेल्स। अब हम बात करते हैं इन सेल्स की प्लॉइडी की। तो या हम बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर हम बात करें पॉलिन मदर सेल्स, इनकी जो प्लॉइडी होती है बच्चों वो 2n होती है। दैट मीन्स दे आर डिप्लॉइड। और जब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन को ही हम बच्चों मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। और मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिप्लॉइड से आधे होकर हैप्लॉइड हो जाते हैं, यानी 2n से n। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करती है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड? 4 माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड, एंड इन 4 माइक्रोस्पोर्स को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड। ये सारे माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अटैच्ड होते हैं। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो फिर क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चों, पहले हम इस स्टेप को समझते हैं, फिर हम पॉलन ग्रेन पर जंप करेंगे। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है बाय रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस ऑफ either microspore mother cell or pollen mother cells. Clear this thing? Now, एक एंथर के अंदर कई थाउजेंड्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक लार्ज अमाउंट बनेगा माइक्रोस्पोर्स का। क्लियर दिस थिंग। नाउ जब ये माइक्रोस्पोर्स एंथर मैच्योर होना स्टार्ट होता है बच्चों, ये माइक्रोस्पोर्स आपस में सेपरेट होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट कैसे होता है आइए हम बात करते हैं। देखो बच्चों, जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं हमारे पास, हम उसमें से एक माइक्रोस्पोर ले लेते हैं। ओके, ये माइक्रोस्पोर कैसे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा हम उसको डिस्कस करते हैं। ये माइक्रोस्पोर कैसे पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, दिस माइक्रोस्पोर अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस। पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, अब इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा इस माइक्रोस्पोर में तो देखो बच्चों क्या होगा, जब इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगा तो इस माइक्रोस्पोर से 2 सेल्स बनेंगी। एक सेल लार्ज होगी, उस सेल को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या नाम देते हैं बच्चों? वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, वेजिटेटिव सेल को हम एक नाम और भी देते हैं, ट्यूब सेल। क्या नाम देते हैं? ट्यूब सेल। सो दिस माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पर एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है। तो इस माइक्रोस्पोर ने डिवीजन किया, अभी उसने एक सेल बनाई जो कि लार्ज साइज है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। ये इस सेल का साइटोप्लाज्म। अब जो दूसरी सेल बनती है बच्चों वो साइज में छोटी होती है और उस सेल का शेप होता है स्पिंडल शेप, और इस सेल को हम नाम देते हैं बच्चों जनरेटिव सेल। क्या नाम देते हैं? जनरेटिव सेल। सो माइक्रोस्पोर डिवाइड टू फॉर्म 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज होती है, जनरेटिव सेल स्मॉल साइज होती है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। नाउ इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो लेयर कई जगह पर होती भी है और कई जगह पर एब्सेंट होती है, लाइक दिस। बच्चों इस लेयर को जो सबसे बाहर मैंने रेड कलर से बनाई है लेयर, this layer is known as exine. This layer is known as exine. अब हम पहले इस लेयर को डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं एक्साइन लेयर की, जब हम बात करते हैं बच्चों एक्साइन लेयर की, तो इन पॉलन ग्रेन्स एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ अ केमिकल दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। उस केमिकल का नाम क्या है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन। एंड ये केमिकल प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला, पूरे प्लांट्स में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। इस केमिकल पर ना ही किसी एंजाइम, ना ही किसी टेम्परेचर, ना ही किसी एसिड एल्कलाई का इफेक्ट पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लांट्स में जब हम बात करते हैं फॉसिल्स की, प्लांट्स में बच्चों सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं पॉलन ग्रेन के, और उन पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स के होने का रीजन ये स्पोरोपोलेनिन ही है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन इतनी आसानी से नहीं होता। क्लियर दिस थिंग। नाउ इस स्ट्रक्चर में कई जगह पर, जैसे यहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है, यहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है बच्चों, इन साइट को हम नाम देते हैं जर्मपोर। ये वो साइट है जहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। जब पॉलन ग्रेन जाकर जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो इस हार्ड लेयर को पॉलन ट्यूब क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए नेचर ने इस पॉलन ग्रेन में कई जगह पर इस हार्ड लेयर का फॉर्मेशन नहीं किया और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, जर्मपोर। क्या नाम देते हैं बच्चों, जर्मपोर। नाउ एक्साइन के नीचे जो सेकंड लेयर है, अंदर की तरफ जो सेकंड लेयर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटाइन, दैट इज कॉल्ड इंटाइन, एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये लेयर किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और किसकी बनी होती है बच्चों, पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। नाउ जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ, इस स्ट्रक्चर में दो सेल्स हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल, वन इज जनरेटिव सेल। इसी टू सेल्ड स्ट्रक्चर को बच्चों हम नाम देते हैं पॉलन ग्रेन। क्या नाम देते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन। क्लियर दिस पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या ये पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्ट्रक्चर ही होता है या इसमें और भी चेंजेस आते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स की, तो 60% प्लांट्स में पॉलन ग्रेन इसी टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पॉलन ग्रेन मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप हो रहा है, बट स्टिल यहां पर अभी हमने मेल गैमीट्स का जिक्र नहीं किया। तो अब इस पॉलन ग्रेन में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे इसमें मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, अब हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं टू सेल्ड स्ट्रक्चर, दिस वन इज अ वेजिटेटिव सेल, आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये जो सेल आपको दिख रही है ये वेजिटेटिव सेल ही है और ये उसका न्यूक्लियस, दिस लार्ज सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। अब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देन इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल थी जो आप यहां देख पा रहे हैं, देन द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड इंटाइन लेयर। क्लियर दिस थिंग। नाउ जब पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज को क्रॉस करता है तो इस जनरेटिव सेल में फिर से सेकंड माइटोसिस होता है। कौन सी सेल में माइटोसिस होता है बच्चों, जनरेटिव सेल में, और जब जनरेटिव सेल में सेकंड माइटोसिस होगा तो जनरेटिव सेल के अंदर दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जनरेटिव सेल के अंदर दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं मेल गैमीट्स, दैट इज नोन एज मेल गैमीट्स। यानी बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर पॉलन ग्रेन को क्या हम मेल गैमीट कह सकते हैं, तो नहीं बच्चों, पॉलन ग्रेन is known as male gametophyte। gametophyte प्लांट की वो स्टेज होती है जो हैप्लॉइड होती है, तो pollen grains हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए हम pollen grains को gametophyte बोलते हैं। they belongs to male sex organ, that's why they are known as male gametophyte। और इस male gametophyte के अंदर दो male gametes होते हैं, and this complete structure of pollen grain is called थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या कहलाता है बच्चों? थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। देखो बच्चों, यहां पर था टू सेल्ड पॉलन ग्रेन, तो 60% प्लांट्स में 60% प्लांट्स में पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पर शेड ऑफ होता है, प्लांट से सेपरेट होता है। बट 40% प्लांट्स में जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द मैच्योर पॉलन ग्रेन विच कंटेन वेजिटेटिव सेल, विच कंटेन टू मेल गैमीट्स, विच कंटेन एक्साइन, विच कंटेन इंटाइन एंड जर्म पोर्स। So guys, this is the complete development, complete structure of pollen grain. Next class we will discuss about female reproductive system, female sex organ of angiosperm. Thank you so much.